How to fix Samsung On7 Prime charging very slow problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, ठीक है, फिर भी उसमें चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो आपको कैसे फिक्स करना है. या फिर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपका जो फ़ोन है उसमें फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है, नॉर्मल चार्जिंग से भी ज़्यादा स्लो है, तो आपको कैसे फिक्स करना है, ठीक है. इस तरीके का कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, चार्जिंग हमारा मोबाइल पे काफ़ी ज़रा स्लो हो रहा है. तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, चार्जिंग के रिलेटेड मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस जो कि आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है. यहाँ पे पूरा वीडियो देखें, जो भी आपको जानकारी वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंस है वो आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर बेनिफिकल होगा. और दोस्तों सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रीजंस जानिए, ठीक है. आपका चार्जर अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं. अगर आपका चार्जर जो है आप काफ़ी लोगों को शेयर करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं. या फिर अगर आप अपने मोबाइल पे कई सारे दूसरों का चार्जर प्लग करते रहते, यूज़ करते रहते, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सारे चीज़ें इसके रीज़न से, ठीक है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है. तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करना है, ओरिजिनल चार्जर यूज़ करके देखना है, एडेप्टर भी ओरिजिनल, केबल भी ओरिजिनल. उसके बाद देखें कि आपका किस तरीके से चार्ज हो रहा है मोबाइल. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ओरिजिनल चार्जर यूज़ करने के बाद, चार्जिंग फास्ट हो जाता है, तो ठीक है. लेकिन मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल चार्जर यूज़ करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर चार्जिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप चार्जिंग करते वक्त गेमिंग मत करें, सारे सर आपके सारे कनेक्शंस बंद कर दीजिए, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेट, इंटरनेट, हॉटस्पॉट, लोकेशन, तो सारे चीज़ें बंद करने के बाद आपको मोबाइल एक बार रिस्टार्ट करना है, रिसेंट बटन पर क्लिक करना है, सारे एप्लीकेशन को क्लोज करना है, उसके बाद चार्जिंग करके देखना है, ठीक है. आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, कोई भी यहाँ पे दूसरा डिफेक्ट नहीं है. लेकिन अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करें. उसके लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी देख सकते हैं. लेकिन अगर आपको अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना है तो बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाके एक बार बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करके देखें. ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए. बैटरी के ऑप्शन पर जाए, मोर बैटरी सेटिंग पर जाके फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर दीजिए, ठीक है. फास्ट चार्जिंग इनेबल कीजिए और सारे साथ एडेप्टिव बैटरी उसको भी इनेबल कीजिए और आपका बैटरी ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए. उसके बाद चेक करके देखें, अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम तो आगे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं हो रहा है तब जाके आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें, सॉल्व हो चुका होगा आपका प्रॉब्लम. अगर बाय एनी चांस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके देखिए, आपको हार्डवेयर भी प्रॉब्लम हुआ होगा. क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब हमारा चार्जिंग यहाँ पर करने वाला पिन होते हैं, ठीक है, जो मोबाइल पे प्लग होते हैं चार्जिंग केबल कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो प्लग होते हैं, तो वो दोस्तों अगर उसके अंदर में जो पिन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कई बार, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं. तो आपको क्या करना है, सिंपली टेक्नीशियन के पास जाना है, सर्विस सेंटर पर, या तो फिर उसमें जाके आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है. तो आप अपने मोबाइल को यहाँ पर रिपेयर करना होगा, आपका जो यहाँ पर चार्जिंग प्लग है उसको बदल लिया जाएगा, उसके बाद जाके सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. तो इस तरीके से दोस्तों चार्जिंग स्लो प्रॉब्लम यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.